ऐसे भगाएंगे क्या कंटा बहुत मजे की बट कैसे प्रिपरेशन है तैयार हो चुका हूँ और बस हमारी बस 11 बजे निकलती है वहां से और लंच 10 बजे होता है 12 बजे नहीं 10 बजे होता है सो हम लंच अभी करते हैं और हम लंच के टाइम पे पेपर दे रहे होते हैं और मैंने तो इतना ज्यादा पढ़ लिया कि गाइज की क्या ही बताऊं और ये देखो मिश्रा जी यहाँ पर पूरे नोट्स रिवाइज कर रहे हैं एकदम पूरे स्ट्रेसफुल हैं तो मिश्रा जी कितना पढ़ लिए हो अरे कुछ तो बताओ मैं नहीं बताऊंगा तो बिल्कुल एकदम चतुर के तरह पूरा नोट्स रटते हैं पर हमारी जो लर्निंग पेडागोगी है वो थोड़ी अलग है हम तो बस ऐसे नज़र फेरते हैं बुक में और हमें सब कुछ याद हो जाता है तो यार अभी अब हम यहाँ पर से अभी जाते हैं लंच करते हैं और फिर अब बस की तरफ बढ़ते हैं चिंता मत करो तो मैं पूरा एग्जाम सेंटर से लेकर पूरा एग्जाम के फाइनल खत्म होने तक पूरा मैं कवर करूंगा सो चलो चलते हैं तो मैं अभी बढ़ रहा हूँ मैस की तरफ और मैस के अंदर मैंने एंटर कर लिया है और देखो आज तो बढ़िया सीन है तो आज खाने में है हमारे पास क्या है भाई खाने में आज चावल है और सब्जी है और बढ़िया सी कड़ी है सो लाइक अभी हम यहाँ से निकलेंगे लगभग 11 बजे जैसे मैंने पहले बताया तो चलो खाना वाना लेते हैं यार फाइनली अभी खाना रेडी है और बस शुरू करते हैं खाना फिर चलेंगे और हमारे अतुल भाई हमारे साथ हैं और देखो हमारे साथ अमित भाई भी है और फैसिलिटीज तो तुम्हें दिख ही रही होगी यहाँ के एक बस में एसी भी है म्यूज़िक सिस्टम भी है और हम तो हैं ही तो चलो यार अब खाना शुरू करते हैं उसके बाद फिर चलते हैं एग्ज़ाम सेंटर की तरफ खाते खाते मेरे को भी और लोगों ने भी ज्वाइन कर लिया है मेरा दोस्त अखिल और ये श्रीनु गोंटिया तो इसने हमको ज्वाइन किया हमने इसको ज्वाइन नहीं किया क्या 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 बोला अरे मेरा इधर ले ना इधर ले इधर क्या इधर ले अभी बोल रहा था तो ये हमारा सुरेंद्र ये बहुत पढ़ाई करता है गाइस नहीं भाई इससे बड़ा गधा कोई नहीं है और इससे कोई नहीं है चलो तुम्हें क्या लग रहा है पंकज भाई यहाँ उदास है हमारे पंकज उदास है कल रात का सीन देखा आपने हाँ लड़ाई हुई थी रात वाला सीन देखा था हम वो वीडियो क्लिप भी ऐड कर दूंगा बच गए आप फौजी की वीडियो क्लिप ऐड होगी ब्लॉग में ठीक है कल रात को फौजी का राज्य अभिषेक किया गया अच्छा वो वाली वीडियो की बात कर रहे हो तो चलो यार वो बात हम सॉर्ट आउट करते हैं यार अभी खाना पीना खा के तो आ गए हैं और अभी आशुतोष के दोस्त ये देखो सब भाग रहे हैं कैमरे को देखो वो देखो दो उधर भागे तो एक उधर भागा है तो अगर आपको किसी को रूम से भगाना हो तो अपना कैमरा ऑन जरूर करें क्यों मिश्रा जी सही बोले ना बिल्कुल अपना कैमरा ऑन करें और इनको ये देखो ये अब नहीं शर्मा रहा अब इन्होंने भी अपना कैमरा ऑन कर दिया लेकिन आपको पता है कि हम कैमरे से नहीं सुनते ये सामान रखना शुरू करते हैं अभी एक तो ये स्पीकर डाल देते हैं ये इसमें एडमिट कार्ड है और बाकी फटाफट अपना सामान सामून डाल के फिर अभी यहाँ से बस के लिए निकलना है तो इसको डालते हैं रुको थोड़ा वेट करो अभी टाइम हो चुका है लगभग 11:50 और टाइम हो गया निकलने का तो चलो हम निकलते हैं यहाँ से अभी रूम से और हमारे भोलेनाथ का आशीर्वाद लेते हैं जय भोलेनाथ और चलो अब निकलते हैं बस के लिए ये और फिर आपको दिखाते हैं कि बस कहाँ पर लगी हुई है कितनी सारी बस लगी हुई है और बच्चों का क्या रिव्यू है कि उन्होंने कितनी पढ़ाई करी हुई है सो ये सब दिखाते हैं इलेक्ट्रिसिटी बताते हैं और डोर पर लॉक अभी रूम से निकलने के बाद हम पहुँचने वाले हैं बस की तरफ और उसके बाद वैसे भी आज मौसम काफ़ी गर्म है क्योंकि आज बादल तो लगे लेकिन फिर भी मौसम धूप आई हुई है और दिन के एग्ज़ाम में तो इतनी गर्मी रहती है क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर वही 40-45 रहता है चलो यार अभी इंस्टीट्यूट से तो बाहर आ गए हैं और ये हमारी बसेस मैंने कहा था जैसे आपको दिखाऊंगा और पहले इनसे मिल लो आप हाय गाइस सो एक हमारी बस वो खड़ी उधर पे एक हमारी बस ये खड़ी इधर पे और एक इसके पीछे भी एक बस है तो अभी सबका इंटरव्यू लेंगे कि कैसा सबने प्रिपरेशन किया हुआ है तो पहले प्रतिभा से ही पूछते हैं कैसा प्रिपरेशन है
ये सवाल ना पूछें आप। सेम हालत मेरी भी है। और गुंजन कटारिया की प्रिपरेशन के बारे में हम थोड़ा जानना चाहेंगे। सो गुंजन पहले इतनी तपती धूप में कोका कोला पियेंगी, अब बताओ कैसी तैयारियां है एचआरएम में आपकी? चलो अभी और देखते हैं और कौन कौन है। हाँ भाई, तो कुछ लोग छाया में इंतजार कर रहे हैं यहाँ अपने। आकाश भाई, हाँ आकाश भाई, तैयारी बताओ कैसी चल रही है? तैयारी भाई गुड है, बढ़िया है, बिल्कुल बढ़िया है। ऐसे भी बच्चे होते हैं जो पूरी तैयारी के साथ आते हैं, पूरे नंबर लाते हैं, पर हमारा तो पढ़ाई लिखाई से सब वो हो चुका है। और ये हमारे मेन कैरेक्टर तो ये है। हाँ भाई महेश, कि बहुत हंस रहे हो महेश। महेश दल्ले बताओ। महेश दल्ले, बड़ा दल्ले बेनी बाप जी। अरे यार, कुछ भी शुरू करने से पहले पहले तो सीट घेरना जरूरी है, तो पहले अपना बैग रख लेते हैं, फिर लेते हैं इंटरव्यू और बच्चों का भी। तो अभी चलो सीट है अगर आगे। ओए हमारी ये छुनछुन वाली बस, इसमें ना देखो घुंघरू लगा हुआ है, इसी से मैं इसको पहचानता हूँ। तो अभी इधर मैं बैठा, सामने सीट में मैं बैठा हुआ हूँ, पूरा व्यू आएगा। क्या रे, मेरी सीट में बैठेगा है? तो गाइज ये है सनातनी श्रीनू गुंटिया, ये नरूटो का तो फैन था, ये आपने पिछले ब्लॉग में देखा था, लेकिन ये अभी सनातन का भक्त बन चुके हैं, रील देख देख के सनातनी बन गया। ये ट्रेंड के साथ साथ ये चेंज होते रहता है। सो मे बी अभी कुछ देर पहले मैं इसमें मेरा रुद्र अवतार दिखा होगा, ये मेरा शांति अवतार। और उधर मैं बैठा हूं, सच में गर्मी बहुत है यार, तो पसीने से हम टप टप होने जा रहे हैं। और कुछ बच्चे यहाँ अपनी पर्सनल गाड़ी में भी आए हैं। सो गाइस हम तो कोठी बंगले वाले हैं नहीं तो। अबे सुन, ये सब मत कर, अभी पढ़ ले। नहीं, बड़ा टफ सब्जेक्ट है। एचआर बहुत इजी है, एचआर बहुत इजी है, क्योंकि हमने एचआर स्पेशलाइजेशन ली है, इसलिए इजी है। यूजलेस सब्जेक्ट भी है। यूजलेस सब्जेक्ट नहीं है भाई, मेरे लिए तुम कैसे एचआर को यूजलेस बोल रहे हो? एचआर ठीक है, तो इसके हिसाब से एचआर बेकार है। बस के अभी दूसरे एंगल पे खड़ा हूँ, देखो मेरे पीछे बस है। और यहाँ पर कुछ अबे ये देखो, ये टॉपर्स बैठे हुए हैं। ये क्या जी, कितना पढ़ लिया जी? बस स्टार्ट किया अभी। अच्छा, तो पेपर पूरा जाएगा कंप्लीट। तो वही मैं कह रहा हूँ, कुछ बच्चे हैं जो पढ़ते नहीं है हमारे जैसे, जो सीरीज देखते हैं। और के भाई बताओ कितना रट लिया? अरे मैं तो पूरा पढ़ लिया हूँ, थर्ड सेमेस्टर का भी तैयारी कर लिया। थर्ड सेमेस्टर का भी तैयारी कर लिया अभी से। स्पेशलाइजेशन क्या है वो पूछ ले। स्पेशलाइजेशन बताइए। तो हमारा जो है कि फाइनेंस है, हाँ, और एक बिजनेस एनालिटिक्स। समझ गया, ब्लॉग में आने वाला है, सीरियसली बता रहा हूँ। ठीक है तो इसका मतलब यही है कि ये पूरे तैयार है, इन्होंने सीरियसली एमबीए करी हुई है। पर यार ऐसी भी क्या एमबीए जो बहुत ज़्यादा सीरियसली की जाए, सही बात है कि उनके भाई मजे होने चाहिए ना। मजे होने चाहिए यार, ये लोग सीरियसली। गूगल में इंटर्नशिप लेना है, गूगल में इंटर्नशिप ले रहा हूँ। ठीक है, अच्छा है, सोच बड़ी होनी चाहिए, इरादे नेक होने चाहिए। तो फिर केके की तरह आप भी बुलंदियाँ चाहिए। अपना स्टार्टअप खोलना चाहिए डब्बू ब्लॉग्स के नाम से, समझ रहे हो? हाँ, हाँ। रोजगार लो, रोजगार दो। ठीक है, हम तो अपना रोजगार हम इसको अभी और आगे। आप बताइए आपकी तैयारी कर रही। और सुरेंद्र भाई आ गए। सुरेंद्र भाई का तो ऑलरेडी हमने इंटरव्यू ले लिया। सुरेंद्र भाई मीनाक्षी से पूरा पेपर करते हैं? नहीं भाई, मैं किसी से पेपर नहीं करता, ठीक है ना? मैं अपना पेपर करता हूँ, खुद करो। अच्छा, आत्मनिर्भर बनो। आत्मनिर्भर बनोगे ना तभी अच्छा रहेगा, बिना आत्मनिर्भर के कुछ नहीं है। और देखो श्रीनु हमेशा इस कोने में क्यों खड़े रहते हैं, आपको पता होगा, पीछे देख सकते हो आप। सो समझा करो, तो देख सकते हैं आप श्रीनु ऐसे पीछे। भले ही ये सनातनी है पर लेकिन कर जाता है। सनातन में भी सख्त लौंडे थोड़ा कम ही है, तो क्या करें। हमारे एग्जाम के डेस्टिनेशन तक हमारे पहुंचाने में जिनका सबसे बड़ा योगदान है, वो हमारे अंकल जी हैं, ड्राइवर अंकल जी, जिन्होंने हमेशा हमें टाइम पे पहुंचाया है। आज हवा में उड़ा के लेके आज हमें गोली बनाएंगे, ऐसी भगाएंगे कि आज एक घंटा। लास्ट मैच में हमने अंकल के साथ बहुत मजे किए, बट इस बार अंकल हमारे साथ में। हाँ ये बात है, कोई बात नहीं अंकल, तो ठीक है। समझ नहीं आया, ऐसे चले। जैसे आपको बताया था कि AIMT के साथ साथ आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन भी है, और उनकी बस पीछे आज उनका भी एग्ज़ाम है। और ये AI के हमारे भैया जी, तो इनका भी आज एग्ज़ाम है। किसका एग्ज़ाम है आपका, कौन से पेपर का एग्ज़ाम? हमारे इंक्लूसिव एजुकेशन का है, तो इंक्लूसिव एजुकेशन का इनका एग्ज़ाम है। सो AI में अगर आप एडमिशन लेते हैं तो आपको ऐसे बस में बिठाया जाएगा और एग्ज़ाम सेंटर तक आपको भी पहुँचाया जाएगा, जैसे इनको पहुँचाया जाएगा आज। सो ये है,
और AI अगर देखें तो कैंपस के उस तरफ है, पल्ली तरफ। सो अगर आपको जाना है, आना है, आप बीएड कर रहे हैं तो आप यहाँ एडमिशन ले सकते हैं। तो चलो ये भी कवर कर लिया, इनकी बस पहले निकलेगी और हमारी बस अभी निकलने वाली है लगभग 10 मिनट के बाद। सो लेट्स सी। स्नेहा से लेते, स्नेहा कितना पढ़ाई करा है? कुछ भी नहीं पढ़ा। सो गाइस हमारे साथ हमारा एक और साथी मिल गया, प्लस झूठ बोलने वाले सरदार। चलो झूठ बोला, झूठ 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 मैं बोलो ना, झूठ है ये, झूठ है अनुपचंद, इनकी बात मत मानना तू, ये बड़ा झूठ बोलते हैं। ठीक है अगर झूठ बोला तो चलो जो भी है वो रिजल्ट बताएंगे। तो चलो अभी गिनती चाहिए, लिख रहा है, लिख रहा है। इंटेंसिव चाहिए कि नहीं चाहिए? नहीं चाहिए। तो मैं बैठ गया हूँ अभी अपनी सीट में, एकदम सामने मिलती है हमेशा से मेरे को सीट, क्योंकि व्लॉगर्स प्रिविलेज हमेशा आपके साथ रहता है। और ये देखो बिल्कुल ड्राइवर भैया के बगल में। यार बहुत कवर कर लिया इधर पे, अब जाके एग्जाम सेंटर पे उतरेंगे और वहाँ जाके कुछ आपको दिखाएंगे कि हमारा पूरा प्रोसेस कैसा होता था। तो फाइनली अभी गाड़ी चल पड़ी है और हम निकल चुके हैं अपने डेस्टिनेशन की तरफ। देख सकते हो इतना यहाँ पर पानी पूरा भर चुका है। परसों तक जब एग्ज़ाम देने आ रहे थे ये पानी बहुत नीचे था, लाइक वो पोल है जो वो टावर दिख रहा है सामने, उसके भी नीचे उसका भी एक बेस था उसमें तक पानी था। और आज देखो पूरे दिल्ली में बाढ़ जैसी हालत है। और ये पुल से देखो ये यमुना नदी का स्तर इतना बढ़ चुका है। और अभी वैसे भी ट्रैफिक देखो इतना लग गया आज, आज बाहर तो इधर ही बनी है, लगता है आज लेट होंगे। और बाकी पानी का लेवल देखो बस, पूरे फ्लड जैसा हालत हुआ है। सो चलो अच्छा है, नदी सी बहाने साफ हो गई। तो अभी तो ट्रैफिक में फंसे हुए हैं और गर्मी बहुत हो रही है, धूप भी लगी हुई है, इतनी फैल गई है ये नदी। कल तक ये इधर पे थे, इधर पे तक थी, मतलब इस कोने से लेके इस कोने तक, और आज देखो पूरी पूरे कोने तक गई है, पूरी इस कोने से उस कोने तक, मतलब एक फ्रेम में पूरे कोने भी नहीं आ रहे इसके। और कल तक सिर्फ ये इतने में होती। सो हिमाचल के जितने भी घर भये हैं, उत्तराखंड में जितनी बारिश हुई है, सब उसका ही रिजल्ट है। और जाम तो क्या ही बताऊं, बहुत जाम। सो आज तक इतने उफान में नहीं देखी मैंने यमुना नदी, आज तक जितना भी टाइम हो गया अभी तक दिल्ली में, पहली बार। हे प्रभु, हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंदी, ये क्या हुआ? गला में पानी आ गया, गमछा भी खुल गया मेरा, लेंटी ये देखिए गमछा क्या हुआ। हाईवे में ये बस हमसे बहुत आगे थी और अब देखो क्या फायदा हुआ इतना भगाने का, साथ ही में हमारे। तो यार गाइस फाइनली अभी हम पहुंच चुके हैं अपने एग्जाम सेंटर और अब उतरते हैं। बाय गाइस। सो गाइस हम पहले उतरेंगे और
हम पहुंच चुके हैं अपने एग्जाम सेंटर और बहुत ट्रैफिक और मशक्कत के बाद हम यहाँ पहुँचे हैं और अंजनी के और ये देखो गिरजेश, मजा आया सफर में? ब्लॉग वाले फेल हो जाएंगे आज। अरे कोई फेल नहीं होगा, क्यों बाबे? बिल्कुल फेल नहीं, बिल्कुल फेल नहीं। तो हम दिखाते हैं, हम पहले यहाँ उतरते हैं फिर, क्योंकि यहाँ पर एंट्री नहीं मिलती है क्योंकि 2 बजे से पेपर होता है हमारा, तो उसके बाद हम सोचते हैं कि एक अच्छी जगह ढूंढे, तो हम ये सुखदेव विहार मेट्रो स्टेशन सामने यहाँ चले जाते हैं। अभी दिखाते हैं अपना अड्डा और हमारा एग्ज़ाम सेंटर ये सामने रहा। एग्ज़ाम सेंटर है हमारा डॉन बॉस्को इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हमारे पीछे। सो आज एंट्री है शायद, एंट्री है नहीं है। सो हम जाएंगे इसके फर्स्ट फ्लोर में जहाँ हमने अपना अड्डा बनाया है, हम वहाँ चुपचाप सीक्रेट स्टडीज करते हैं। तो चलो अभी रोड क्रॉस करते हैं और अपने अड्डे पे चलते हैं। हमारे साथ जितने भी हमारे एग्ज़ाम देने वाले हैं सब ने यहाँ कब्ज़ा करा हुआ है, क्योंकि जगह थोड़ी शांत है और यहाँ पर देखो मस्त पढ़ने का माहौल मिल जाता है। मस्त सीढ़ी सी है और एग्ज़ाम सेंटर उधर पे रहा। सो हमारे कुछ बच्चे इधर बैठते हैं और कुछ वो वहाँ पर हमने एक अड्डा बनाया हुआ है, तो अभी थोड़ा पढ़ लेते हैं। एग्ज़ाम सेंटर जाते समय दिखाऊंगा और फिर एग्ज़ाम देने के बाद फुल मस्ती ऑन। तो चलो लेट्स प्रिपेयर फॉर इट। मैं तो अपने अड्डे में बैठा हुआ हूँ और देखो आज मैंने अभी इतना पढ़ दिया है कि मेरे को ये पूरी बुक रट गई है, तो एग्ज़ाम बहुत बढ़िया जाने वाला है, क्योंकि मैंने 10 मिनट में जो पढ़ा है ना वो देखो। एक बच्ची यहाँ छुप छुप के पढ़ रही है, सो इसको बताने की ज़रूरत नहीं है। तो ये मेरे बैग का ध्यान रखेगी थोड़ी देर, मैं अपने दोस्तों को दिखाता हूँ आपको, मेरे बैग का ध्यान रखेंगे। तो मेरे दोस्त वहाँ पर बैठे हुए हैं, मैं उनको दिखाता हूँ। तो ये पूरा हमारे MBA का अड्डा था और ये दो बंदे यहाँ बैठे हुए हैं। हाँ, और वहाँ भी अपने MBA की पूरी गैंग बैठी हुई है। क्या है? अरे नहीं, मैंने ब्रेकफास्ट किया हुआ है। थैंक यू। अरे कोई ना, थैंक यू। सो मज़ा आता है इस लोकेशन में और कुछ देखने को मिलता है यहाँ पर। ठीक है बहुत मज़ा आता है, बहुत मज़ा, बहुत अच्छी लड़कियाँ आती हैं। ठीक है। एग्जामिनेशन के आखिरी दिन हमें हमारे अड्डे से भगा दिया गया, वेरी सैड। तो कोई बात नहीं, आज हम यहाँ बैठेंगे अपने सुरेंद्र भाई के साथ। ऊपर बैठने अलाउड नहीं है ऐसा उन्होंने बोला हमें, नो इश्यूज। वो देख सकते हैं आप, वहाँ देख सकते हैं आप, वो पुलिस वाला खड़ा है, वो हम सबको भगा रहा है और ताकि हम पढ़ ना पाए, लेकिन हम फिर भी पढ़ेंगे। क्यों सुरेंद्र भाई? पढ़ेंगे। अभी 1:30 बज चुका है और हम एग्ज़ाम की तरफ जा रहे हैं। सामने देखो एग्जामिनेशन सेंटर यही है हमारा। सो यार आखिरकार हमें जाना ही पड़ रहा है मजबूरी में, क्योंकि पेपर तो देना ही है। हाँ, तो आज आखिरी पेपर है। अबे यार काश हमारी लाइफ में भी कंट्रोल जेड होता। HRM का नहीं पता, मैं ह्यूमन रिसोर्स का होता है, जाके कर रही है यहाँ जाना, बस जो भी पता है, जो भी। क्या HRM का फुल फॉर्म क्या होता है? HRM ह्यूमन रिसोर्स। अच्छा, मनी हज रिसोर्स। अच्छा, अरे यार कुछ नहीं आता, कर लेंगे यार, क्वेश्चन पेपर उतार देंगे चार बॉयज द बॉयज। ठीक है गाइस, तो मैं अंदर दिखाते हैं, देख सकते हैं सामने हमारा सेंटर और हम खड़े हैं सेंटर के सामने। यार इस इंस्टीट्यूट में वैसे एंट्री तो हमें लेट ही मिली है, क्योंकि पता नहीं पिछले में तो हम अंदर बैठ के वेट करते थे, यहाँ हमें मेट्रो पे वेट करना पड़ता है, फिर अंदर आते हैं वो भी लास्ट के आधे घंटे में। सो ये अच्छा नहीं है, हमें अंदर बैठ के थोड़ी शांति मिलती है, वहाँ मेट्रो से भगा देते हैं CISF वाले। लेकिन ये डॉन बॉस्को इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का कैंपस देखो, और बच्चे सारे प्रिपरेशन कर रहे हैं, और सामने हमारी मैरी ऑन अ क्रॉस, और गुंजन देखो वहाँ जा रही है। सो ये देखो यहाँ का कैंपस। सो गुंजन जाने से पहले बेस्ट विशेस, ऑल द बेस्ट, थैंक यू। चलो अब अंदर चलते हैं और थोड़ा डांट खा के आते हैं बैग वालों से कि यहाँ रिकॉर्डिंग अलाउड नहीं है। सो ये लाइन लगी हुई है, रविंदर अपना बैग दे रहा है और यहाँ बैग जमा होता है हमारा। A little longer than a few minutes later. So यार गाइस फाइनली अभी एग्जाम हो चुका है खत्म, और विशाल भाई क्या हाल है? बढ़िया, हो गया खत्म? जी भाई। कैसा रहा? ठीक रहा सफर। तो गाइस चलो अभी हम बाहर जाएंगे, चाय वाय पियेंगे, थोड़ा वेट करो और बाकी किसी का रिव्यू लेते हैं। तो अभी कैसा रहा आपका एग्ज़ाम? बढ़िया रहा, मजा आ गया।
तो सारे एग्जाम्स कैसे गए, क्या लगता है इस बार? भाई बस कैसे भी चले गए, चैट जीपीटी से पढ़ा जैसा भी गया। हाँ, चैट जीपीटी जिंदाबाद। चैट जीपीटी, मैं भी चैट जीपीटी के भरोसे था और उससे भी इतने अच्छे से नहीं पढ़ा, मतलब बस ऊपर ऊपर जैसा भी जाना था चले गए। तो देख चलो, रजिस्ट्रेशन मत कर भाई, अब कुछ नहीं करना, अब खत्म सब खत्म। तो चलो अब थैंक्स फॉर द विजिट, अब यहाँ से हम निकलते हैं गाइस, टपरी पे मिलते हैं। चलते अब शिवानी से भी रिव्यू लेते हैं। हाँ जी शिवानी जी, कैसा रहा एग्जाम? एकदम बढ़िया, बढ़िया मजा आ गया ना एकदम। देखा जो जो पढ़ता है उनके लिए बहुत मजा आ जाता है, बाकी हमारे जैसे लोग तो यूनिक है। नहीं पीछे बैठेंगे, डांस वांस करेंगे, अभी स्पीकर है सब है। सो सामने से अपने लौंडे लोग भी आ रहे हैं, सामने विश्वजीत और तेगन पार्टी। सो तेगन विश्वजीत बताइए कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस एग्जाम का? डॉन बॉस्को में काफी अच्छा रहा है, फाइनेंस चाय वाय पी ली होगी। यार गाइस मैं खड़ा हूँ चाय की टपरी में, सो हमने अपने सारे एग्जाम में इसी चाय की टपरी से चाय पी है। तो आप भी आइए यहाँ। और देखो सीनू, और सीनू क्या हाल है? बढ़िया है। तो कुछ नहीं, बस सीनू की चाय पी रहा है अभी, लेकिन उसको पता नहीं है कि वो क्या पी रहा है। आयुष्मान भी आ चुका है। कैसा रहा एग्जाम? कैसा रहा एग्जाम? आई एम आस्किंग यू फर्स्ट, माय एग्जाम वाज गुड, बट आप बताओ आपका एग्जाम कैसा रहा? बिल्कुल बिना पढ़े गया था, लेकिन मेरा एग्जाम बहुत अच्छा गया, नो डाउट। तो ये हुई ना बात, ये स्पिरिट चाहिए गाइस। तो बहुत बढ़िया है, चलो इट वाज ऑल ऑसम। यार मैं ऐसे ही रैंडमली चल रहा था और मैंने देखा ऊपर मेट्रो के पिलर में किसी ने लव यू लिखा हुआ है। तो आजकल कितना एडवांस हो गए लोग, इस मेट्रो पिलर पे चढ़ के भी लव यू लिखा है, जो दिख पा रहा होगा अगर। सो आज मौसम तो एकदम सेक्सी हो चुका है, अब पूरे बादल लगे हुए हैं। चलो बस में बैठ के पीते हैं बढ़िया चाय वाय। सो यार बस में बैठ के चाय पीने का मज़ा ही अलग है, और साथ में अगर प्रतिभा हो तो और भी मज़ा अलग है, क्योंकि प्रतिभा ने मुझे बहुत कंटेंट दिया है, कंटेंट। सो अभी बस चलने वाली है और 5 बज चुके हैं और चेहरे में हमारे 12 बजे हुए हैं, क्योंकि बहुत गर्मी थी आने के टाइम पे, और अभी इतनी गर्मी नहीं है क्योंकि अभी बादल लग गए हैं। फाइनली हमारा एग्जाम सेंटर हमसे दूर जा रहा है गाइस, बहुत बुरा लग रहा है। हमारा 5 बार एग्जाम देने आए थे, 5 बार 12 महीने देखो, वहाँ से अपूर्वा भी आ रही है, उमा भी आ रही है और मीनी भी आ रही है। सो हंसते हंसते खिलखिलाते हुए कहना तो नहीं चाहिए। हाँ क्या नहीं कहना चाहिए? एक टांग नहीं है, मैं हॉकी का खिलाड़ी हूँ। मेरी एक टांग नकली है, मैं हॉकी का बहुत बड़ा खिलाड़ी था। एक दिन उदय भाई को मेरी किसी बात पर गुस्सा आ गया तो मेरी हॉकी स्टिक से मेरी टांग के 4 टुकड़े कर दिए, लेकिन दिल के बहुत अच्छे हैं, फौरन हॉस्पिटल लेके गए, ऑपरेशन करवाया, नई टांग लगवा दी, ये स्टिक दी, थोड़ा खर्चा दिया और बस हो। तो यार गाइस मैं आधे रास्ते पर उतर चुका हूँ डेस्टिनेशन से आधे, और अभी हमें छोड़ के बस निकल जाएगी यहाँ से। सो ये देखो, क्योंकि हमें खाना है यहाँ का स्पेशल चाट, और डेस्टिनेशन सामने और सनसेट होने को है। सो आज का व्लॉग अभी हम यहीं ख़त्म करते हैं, क्योंकि हमने जो हमारा उद्देश्य था वो पूरा कर लिया है, और पूरा एग्ज़ाम हमने ऑलरेडी आपको दिखा दिया है। तो चलो मिलते हैं एक और नए व्लॉग में। Like and subscribe. Peace out.